तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, वो पल आ चुका है, वो समय आ चुका है, वो टाइम आ चुका है जहां हमें प्लेऑफ्स के खिलाड़ी, प्लेऑफ्स की टीमें मिल चुकी हैं। उनमें से नाम आप सभी को पता है, केकेआर, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल, और हाँ आरसीबी। लेकिन अब वो समय आ चुका है क्वालिफायर वन का, जो खेला जाने वाला है केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है और इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों मैचेस का बहुत ही इनडेप्थ, दोनों टीम्स का इनडेप्थ एनालिसिस देने वाला हूँ। हाईली प्रेशर मैच है, तो कौन सी प्लेयर से जो अच्छा प्रदर्शन करने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको ये दे दूं कि ये जो मैच खेला जा रहा है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, ये दोनों के होम ग्राउंड में खेला ही नहीं जा रहा। बिल्कुल आपने सही सुना, ये जो मैच खेला जा रहा है वो खेला जा रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। और आपको बता दूं कि जो अहमदाबाद का स्टेडियम है वो वर्ल्ड का, इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है। यानी कि बाउंड्रीज लॉन्ग होगी, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे रन देखने को नहीं मिलते, वहाँ पे रन देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लास्ट जो मैच खेला गया था सनराइजर्स और केकेआर का, उसमें केकेआर जीत तो गई थी लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से जीती थी। ऐसा नहीं कि केकेआर बहुत ही जो है उन पे डोमिनेंट रही सनराइजर पे, ऐसा नहीं है। दोनों टीमों की खास बात उनके ओपनर प्लेयर हैं, चाहे वो केकेआर की टीम में फिल सॉल्ट और सुनील नारायण हो गया, दूसरी टीम के सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड हो गए। लेकिन एक केकेआर के लिए बहुत ही एक निराशाजनक वाली एक बात यह है कि फिल सॉल्ट जो बहुत ही अच्छे रन मार रहे थे, एटलीस्ट 435 रन उन्होंने अब तक के IPL मैच में मारे और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, वो अपने घर वापसी कर चुके हैं। यानी कि अब कोलकाता नाइट राइडर्स को उनका एक नया ओपनर चुनना पड़ेगा, जो कि चुन भी लिया। उनका नाम है गुरबाज, जो उनके विकेट कीपर है, अब वो ओपनिंग करेंगे। हालांकि गुरबाज एक बहुत अच्छे बैट्समैन है और काफ़ी अच्छी ओपनिंग बैटिंग करते हैं। अब देखना है कि वो सुनील नारायण के साथ कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बना पाते हैं, क्या वो फिल सॉल्ट की जगह को भर पाते हैं, क्योंकि क्वालिफायर वन है। हालांकि जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, अगर कोलकाता हारती है तो उसके बाद एक चांस और है कि वो राजस्थान और बेंगलुरु के साथ खेले और फिर क्या पता चांसेस हो कि वो फाइनल में पहुंचे। दोनों में से जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इस टीम का जो प्लेइंग 11 वो क्या रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के खेमे की बात करूँ, तो उसमें से मैंने आपको बताया कि फील्ड सॉल्ट वहाँ पे नहीं है, तो उसमें से फील्ड सॉल्ट की जगह आप गुरबाज को ऐड कर दीजिए। और अगर टॉप 11 की देखी तो उसके बाद हमें सुनील नारायण देखने को मिलेंगे, वेंकटेश अय्यर देखने को मिलेंगे, श्रेयस अय्यर देखने को मिलेंगे, रिंकू सिंह, एंड्रे रसल और कहीं ना कहीं रमनदीप सिंह, अंकुर रॉय, स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती एंड कहीं ना कहीं मनीष पांडे को एज अ इम्पैक्ट प्लेयर खिला सकते हैं। अब दूसरे खेमे जो सनराइजर्स हैदराबाद की जो टॉप प्लेइंग 11 है वो आपको स्क्रीन के इस साइड भी दिख जाएगी, और मैं आपको भी बता दूं कि कौन कौन खेलेंगे, ताकि आप एक अगर चाहें तो एक स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते हैं। ट्रेविस हेड और अभिषेक कुमार ऑब्वियसली वो तो आप रखने वाले हैं, ये तो टीम में रहने वाले हैं। बाकी अगर नीचे की टीम की बात कर लूँ तो राहुल त्रिपाठी ने लास्ट मैच में पंजाब के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, नीतीश रेड्डी बहुत अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर उसके बाद एनरिकेच क्लासन हो गया, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, नटराजन हो गए या फिर अब्दुल समद हो गए, ये सारी टीम जो है काफ़ी मुझे परिपक्व नज़र आती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, माफ कीजिएगा। तो अगर मैं बात करूं प्रोजेक्टेड स्कोर की, मैं आपको अब तक के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पहले स्टैट्स बता दूं, फिर उसके बाद आप लोग भी डिसाइड करो कि क्या करना है। पूरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अब तक के 33 मैच T20 मैचेस की बात करूं, जिसमें से जिसने पहले बैटिंग करी वो 14 बार जीता है, और जिसने चेस करा यानी कि बाद में बैटिंग करी है उसने 18 बार ये मैच जीता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो पहले बॉलिंग करता है, जो टीम पहले बॉलिंग करती है वो जीतती है। तो आप देख लेना, जो भी टीम इसमें टॉस जीतेगी और वो बॉलिंग लेगी तो कहीं ना उसके चांसेस एक 30% या 20% मैं कहूँगा बढ़ जाएगी। बाकी हम सबको पता है कि क्रिकेट इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी गेम, अनिश्चितताओं का गेम है, तो कुछ भी हो सकता है। बात कर ले सनराइजर्स वर्सेज केकेआर के हेड टू हेड के बारे में, तो 26 बार ये टीम आमने सामने पूरे IPL के इतिहास में जुड़ चुकी है, भिड़ चुकी है, जिसमें से सनराइजर्स का जो पलड़ा है कहीं ना कहीं भारी नजर आता है। लेकिन अब की बार सनराइजर्स की टीम कुछ और उभर के आई है, कुछ और निकल के आई है, तो हम बता नहीं सकते कि क्या होने वाला है इस मैच में। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्टेड स्कोर इस मैच का हाईली प्रेशर मैच है। अगर सनराइजर्स की बैटिंग पहले आती है तो मान के चलिए इस मैच में एटलीस्ट 200 से 210 के बीच में जाना ही वाला है। मान लीजिए केकेआर की भी टीम अभी जो है इतनी बैलेंस नज़र नहीं आ रही, क्योंकि फिल सॉल्ट कहीं ना कहीं उन गायब हैं और अब नीचे फिर एंड्रे रसल इतना कर नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 180-190 तक तब भी जाएगा। और अब कि कौन ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ही इम्पैक्ट डालने वाले हैं इस क्वालिफायर में, मैं आपको बता दूं कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा से आपको चुनने के लिए मिले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो अभिषेक शर्मा, कोई डाउट नहीं कि अच्छे प्लेयर नहीं है,
बट प्रेशर खेलने वाले उतने प्रेशर झेलने वाले प्लेयर नजर नहीं आते, तो आप इन दोनों में से ट्रेविस हेड को उठा सकते हैं। बाकी दूसरी तरफ सुनील नारायण है, गुरबाज से, दोनों एक मैं कहूँगा बैटिंग के पर्सपेक्टिव से वो एक अनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर है। हालांकि हम स्पिन की बात करें तो सुनील नारायण बहुत ही अच्छे स्पिन प्लेयर है, बट कहीं ना कहीं बैटिंग की जहां बात आती है तो हिटिंग करना अच्छी बात है, जहां प्रेशर जनरेट होता है तो वहां जो सुनील नारायण है वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आते हैं। तो गुरबाज को मैं कहूँगा कि एक नए न्यूबी प्लेयर है और काफ़ी कहीं ना कहीं एक उत्सुकता रहती है, तो आप गुरबाज को पिक कीजिए। स्पिनर के लिए हालांकि कुछ खासा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुछ हेल्प है नहीं, बट फिर भी अगर स्पिन वर्क करती तो सामने वाली केकेआर की टीम सुनील नारायण हो गया, वरुण चक्रवर्ती हो गया, बट सनराइजर्स के पास कोई भी स्पिनर इतना खास है नहीं। बट पेसर इस पिच पे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो सामने वाली टीम में पैट कमिंस है, भुवनेश्वर कुमार है, नटराजन है, रेड्डी है, तो बहुत ही टीम है। अब कौन जीतने वाला है, क्या प्रिडिक्शन जाने वाला, मुझे लगता है कि 60-40 का होगा। 60 सनराइजर के साथ जा रहा हूँ मैं और केकेआर के साथ 40% जा रहा हूँ। और कौन से ऐसे इंपैक्ट प्लेयर है, मैं चार चार प्लेयर बताता हूँ जो आपको इस टीम में अपनी टीम में लेने चाहिए अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो मैं कहूँगा कि आप ट्रेविस हेड को उठाइए, पैट कमिंस को उठाइए, नो डाउट कि आप भुवनेश्वर कुमार को उठाइए, सामने से आप श्रेयस अय्यर को उठाइए, वरुण चक्रवर्ती, मिचेल स्टार्क, ये जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं ना जो कि एक प्रेशर में खेले हुए हैं, अनुभवी प्लेयर जिन्हें कहते हैं, जिन्होंने आज तक पहले ही खेला हुआ है ऐसी तरह का मैच, उनको आप पिक कीजिए। तो ये रहा ऑल ओवर एनालिसिस की किस तरह का मैच रहने वाला है, थोड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, अगर कोई भी टीम जीती है तो अगला मैच उसको अभी चांस मिलेगा फाइनल में जाने के लिए। तो अब आपका क्या प्रीव्यू है, आपका क्या प्रेडिक्शन है, आप क्या सोचते हैं कि केकेआर वर्सेस सनराइजर्स में कौन जीतने वाला है, तो कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।